हाय एवरीवन, फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल पर काफ़ी समय बाद आ रहा हूँ, ठीक है। अब नए तरीके से अब YouTube स्टार्ट करेंगे। मेरे इस चैनल पर नॉलेज से रिलेटेड वीडियो मिलते रहते हैं, ठीक है। अगर अभी तक ने आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एलकाव सिरप, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये सिरप को मैं खुद उपयोग कर चुका हूं, ठीक है। मेरे जितने भी फैमिली है उन लोग भी उपयोग कर लिए हैं, ठीक है। उसी के बेस पर मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। रिजल्ट मेरे को पता चल गया है किस टाइप से है। सबसे पहले देखेंगे एलकाव सिरप कितने ml का आता है, ठीक है। इसके बनाने वाले जो कंपनी है वो कौन से हैं, इसका MRP क्या रहता है, इसका डोज लेने का सही तरीका क्या रहता है, इसका फ्लेवर कैसा रहता है, इसका टेस्ट कैसा रहता है, मैं आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में, ठीक है। डोज लेने का सही तरीका मैं आपको बताऊंगा, बच्चे लोग कितने एमएल में रहते हैं और एडल्ट लोग कितने एमएल में रहते हैं, दिन में आप 2 बार ले सकते हो या फिर 3 बार, इन सभी बातों को आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो ये रहा एलकाव सिरप, ठीक है। काफ़ी बेहतरीन है, इसका पैकिंग बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। 100 ml में रहता है एलकाव सिरप, ठीक है। इसका जो फ्लेवर है वो है ऑरेंज, और इसका जो फार्मूला है वो है ब्रोहेक्सामाइन हाइड्रोक्लोराइड टर्बुटालिन, ठीक है, सल्फेट गुआफेन्सिन एंड मैंथॉल सिरप, ठीक है। ये एक प्रकार का ये कफ सिरप है। अगर इसके कंपोजिशन के बारे में देखें तो ब्रोहेक्सामाइन 2 mg है, ठीक है, और टर्बुटालिन सल्फेट है वो 1.25 mg है, और गुआफेन्सिन वो है 50 mg, और मैंथॉल 0.5 mg से मिलकर बना हुआ है ये एलकाव सिरप। अगर इसके MRP के बारे में देखें तो ये एक प्रकार का जेनरिक सिरप है, ठीक है। अगर इसके डोज के बारे में देखें तो एडल्ट के लिए 10 ml दिन में 2 टाइम ले सकते हो, ठीक है। अगर खांसी बहुत ही ज़्यादा है तो आप आवश्यकता अनुसार 3 टाइम भी आप इसका उपयोग कर सकते हो, ठीक है, याद रहे 10 ml। और हाँ, जब भी आप इस सिरप का सेवन करें तो आपको सबसे पहले भरपेट भोजन कर लेना है, रोटी वगैरह कुछ खा लेना है, उसके बाद ही आपको सिरप को लेना है, ठीक है। याद रहे दिन में आपको 2 टाइम ले सकते हो, और हाँ, बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा खांसी है तो आप 3 टाइम ले सकते हो, लेकिन मेरे विचार से 2 टाइम बेस्ट रहेगा, ठीक है। अगर आप बच्चे को देना चाहते हो सिरप तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप एक बार डॉक्टर से, आपके नज़दीकी डॉक्टर से आप एक बार संपर्क करें, ठीक है, उसके हिसाब से आप बच्चे को दवा दें। तो चलिए आज का वीडियो बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।